हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बीट ग्रास को हम पॉट में किस प्रकार ग्रो करें। तो चलिए दोस्तों, जब भी आप बीट ग्रास ग्रो करें उसके लिए आप जो फ्रेश बीट हैं, गेहूं हैं, वो आप फ्रेश लें, जिससे कि उनकी जो जर्मिनेशन है वो अच्छी तरीके से होगी। और अगर आपको इसकी जर्मिनेशन फास्ट चाहिए तो आप इसको 24 घंटे पानी में भिगो के रखें, जिससे कि इसकी जर्मिनेशन बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी हो जाएगी। तो चलिए, मैंने इसको पानी में भिगो के नहीं रखा है, इसको हमने नॉर्मल ऐसा ग्रो करेंगे। तो चलिए, जो मैंने पॉट मिक्स लिए हैं 50% नॉर्मल सॉइल है और 50% कंपोस्ट है इसमें। तो चलिए, इसको इस प्रकार जो हमारे गेहूं है इसको हम पूरे पॉट में फैला लेंगे। और जो आप गेहूं है उसको ओवरलैपिंग ना करें, अगर इसको ओवरलैपिंग कर देंगे तो जो बीट है वो अच्छी तरीके से ग्रो नहीं होगी। तो चलिए, हमने ये बीट पूरे में फैला दी है। इसके बाद जो हमारी बची हुई पॉटे मिक्स है उससे हम जो इसमें कवर कर देंगे, जिससे कि जो हमारे बीट है वो कवर हो जाएं। और इसके बाद हम इसमें पानी दे देंगे। पानी देने के बाद इसको आप पॉट है जो डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आप आखिरी तक देखते रहिए, क्योंकि मैं इसको आपका पूरा अपडेट दूंगा किस कितना समय लगता है इसको हार्वेस्ट करने के लिए। लगभग 20 दिन बाद जो हमने बीट ग्रास पॉट में ग्रो की थी, अब समय आ गया है इसको हम इसकी कटिंग करके इसका हम जूस बनाएं। तो चलिए, जिसका जो बीट ग्रास का जूस है बहुत ही इसमें जो प्रोटीन पाया जाता है और बहुत सी जो बीमारियां होती हैं उसके लिए इसका यूज़ होता है। बीट ग्रास को हम बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। अगर आपके पास पॉट नहीं है तो आप एक ट्रे में या छोटे से जो पॉट होते हैं उसमें भी आप ग्रो कर सकते हैं। अगर आपके पास मिट्टी नहीं है तो आप बिना मिट्टी के भी इसको ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए, इनको हम काट लेते हैं बीट ग्रास को। और जब भी आप बीट ग्रास की कटिंग करें तो आप जो उसकी रूट्स हैं 2 से 3 इंच उससे ऊंचाई से काटें, जिससे जो बीट ग्रास है हम दोबारा उसको कटिंग कर सकते हैं। तो चलिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये हमारी प्योर ऑर्गेनिक बीट ग्रास है और इसमें कोई हमने केमिकल और कोई फर्टिलाइज़र का इसमें यूज़ नहीं किया है। सभी बीट ग्रास की हम कटिंग कर लेते हैं, फिर आपके साथ शेयर करते हैं। सभी बीट ग्रास को हमने कटिंग कर ली है। इसके बाद पॉट में आप वाटरिंग कर दें, जिससे आप सेकेंड बार इसमें हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए, वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब